नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की। बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच आज हम करेंगे मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की बात। यह विधानसभा मुंगेर जिले में है। मुंगेर विधानसभा का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और राजद के बीच में सीधा मुकाबला है। राजद ने जहां मुंगेर सीट पर विनाश कुमार प्रत्याशी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रणब कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान में बन रहे राजनीतिक समीकरण पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मुंगेर के राजनीतिक इतिहास पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव की। साल 2015 में यहां राजद और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। राजद से जहां विजय उम्मीदवार रहे थे, वहीं भाजपा से प्रणब कुमार को 72,714 वोट हासिल हो सका था। वहीं विजय कुमार 77,100 वोट प्राप्त करके विधायक चुने गए थे। साल 2010 के चुनावी नतीजों को देखें तो इस साल यहां से जदयू और राजद आमने सामने रहे थे। जदयू के टिकट से अनंत कुमार सत्यार्थी विधायक चुने गए थे। वहीं राजद की तरफ से शबनम प्रवीण टक्कर में रही थी। साल 1995 से 2005 के बीच नतीजों की तरफ रुख करें तो इन सभी सालों में मोनाजिर हसन विधायक रहे थे। साल 2005 में जदयू से, 2000 में राजद से, वहीं 1995 में जनता दल से उनका इस सीट पर कब्जा रहा था। साल 1990 की तरफ देखें तो इस साल यहां जनता दल से रामदेव सिंह यादव विधायक चुने गए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ रुख करें तो यहां मूलभूत आवश्यकताओं को बहाल किया गया है। पेयजल की सुविधा हर घर पहुंचाई गई है। वहीं सड़कों पर जगह जगह इसकी व्यवस्था की गई है। सड़कों का भी निर्माण करवाया गया है। कुछ इलाकों में अभी भी सड़क निर्माण हो रहे हैं। बिजली की बात करें तो इसमें भी काफी सुधार किया गया है। 20 साल पहले गंगा पुल बनवाए जाने की मांग की गई थी, जिसे साल 2016 में पूरा किया गया था और मुंगेर स्टेशन निर्मित हुआ। इससे काफी लंबी दूरी घटकर अब काफी न्यूनतम रह गई है। लोगों के आवागमन में सुविधा हुई है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की मांग लगातार लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इसे धरातल पर नहीं लाया गया है। मुंगेर को नगर निगम का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन उस हिसाब से सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। सड़क पर अतिक्रमण की समस्या है। वहीं साफ सफाई की बात तो वहां भी नदारद है। इस साल यहां चुनावी भिड़ंत की बात करें तो एनडीए में यह सीट भाजपा के खाते में गई है। यहां मोदी नाम की लहर है। वहीं महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर राजद उम्मीदवार उतार रही है। राजद से अविनाश कुमार प्रत्याशी है, तो भाजपा से प्रणब कुमार यादव हुंकार भर रहे हैं। इस सीट पर भाजपा ने जहां पुराने चेहरों को रखा है, वहीं राजद ने नए चेहरे को चुना है। जदयू और राजद दोनों का कब्जा यहां बना रहा है। रालोसपा के टिकट से मुंगेर की मेयर रूमा राज के पति सुबोध वर्मा भी इस चुनाव में अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इन चेहरों में से यहां की जनता किसे अपना नेता चुनती है और विधायक की कुर्सी तक पहुंचाती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।